टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल आशीष। दोस्तों आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की, एक वैकेंसी आई है तो चलिए हम उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों वहाँ पर जो आया है DRDO में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, जो वहाँ पर दोस्तों उसका कम्बोर्ड व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट सेंटर है, तो वहाँ पर वो वैकेंसी आई है। उसकी लोकेशन क्या है दोस्तों? चेन्नई है। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या डिटेल दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला है कि देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि पासिंग ईयर बोला है 2019-2020 एंड 2021। दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ कि 2018 वाले की वैकेंसी बहुत ही मुश्किल से आएगी, तो इस बात का आपको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। पासिंग ईयर तो आपको पता चल गया 2019-2020 और 2021, ठीक है दोस्तों। और आगे हम बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी आई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ब्रांच मेंशन किया गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 8 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 11 सीट है, लाइब्रेरी साइंस 3 सीट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2 सीट है। टोटल जो दोस्तों आए हुए हैं 31 सीट आए हुए हैं। और हम बात कर लेते हैं कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों स्टाइपेंड बोला है 9000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वालों के लिए क्या क्या वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों उनके जो ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 4 सीटें आई हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 6 सीटें आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 5 सीटें आई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 1 सीटें आई हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 सीटें आई हुई हैं। और देखिए दोस्तों जो टोटल सीटें हैं वो 26 सीटें यहाँ पे आई हुई हैं। और हम मंथली स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मंथली स्टाइपेंड आप लोग को 8000 रुपये पर मंथ मिलेगा, आपको ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर की होगी यहाँ पे। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आप लोगों को बार दिया गया है, तो वहाँ पे देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या इस टाइप के जो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए दोस्तों, तो आपका एक डिग्री सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और देखिए दोस्तों कैंडिडेट यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले हैं वो क्या करेंगे, उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, फुल टाइम पार्ट टाइम यहाँ पे नहीं चलेगा। और देखिए दोस्तों एज आप अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग लागू किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों आपका जो एज है वो मिनिमम एज देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 वर्ष, और देखिए दोस्तों मैक्सिमम एज आप लोगों का मांगेगा वहाँ पे 27 ईयर दिया रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, या फिर 24 ईयर दोस्तों, ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कि आप लोगों को रिजर्वेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। और देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, थोड़ा भी तो आपको मांगेगा ये अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको पता है कि यहाँ पे 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। और देखिए दोस्तों आप लोगों के पास अगर पहले से ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है या आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बोला है कि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों की मेरिट बनाई जाएगी, आप लोगों को जो परसेंटेज आए हुए हैं डिप्लोमा और ग्रेजुएशन में उसके आधार पे दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के ईमेल आईडी के थ्रू वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू अपियर द फर्दर सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन एट चेन्नई, यानी कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए चेन्नई वहाँ पर अपियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए दोस्तों प्रोसीजर आप लोग को दिया गया है कि कैसे आप लोग अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर यूजर आई डी दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि NATS के जो पोर्टल है वहाँ पे MHRD का दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों को चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे दोस्तों, आप लोगों को दो काम करना है। आप लोगों को पहला काम तो रजिस्ट्रेशन करना है। आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अच्छी बात, नहीं की है तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अगर लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप लोगों को देखिए टाइप क्या करना है। फाइन इस्टेब्लिशमेंट में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये फाइन करना है। कम्बैट व्हीकल देखिए ये पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट CVRDE है, पूरा ऐसे लिखना है दोस्तों। कामा जो दिया गया इसमें कामा रहेगा, एंड लगेगा या क्वेश्चन मार्क दिया, ऐसे ही आप लोगों को सर्च करना है। आप लोग सर्च करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग वहाँ से जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि आपको नो TA DA कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आपको बोर्डिंग के लिए भी कोई सुविधा वहाँ पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बोला है दोस्तों को आप लोग अप्रेंटिसशिप पूरा हो जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर परमानेंट नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों बोला कि ऑनलाइन अप्लीकेशन जब स्टार्ट हो रहा है 5/7/2021 को दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट कब है इनरोलमेंट का NATS में, तो 20/7/2021 दिया गया। और देखिए दोस्तों बोला है कि लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए कब है, 28/7 बोला है दोस्तों। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पे 30/7/2021 को जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही जारी होगा, ठीक है, तो आप लोग बने रहेगा। और देखिए दोस्तों बोला है कि वेरीफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो होगा जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का होगा वो 9/8/2021 को
होगा दोस्तों। तो ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शैल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट, यहाँ पे जो साउथ रीजन का वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को पब्लिश यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में यहाँ से पता कर सकते हैं। आप लोग करना कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग रजिस्ट्रेशन करना है NETS MHRD पे, उसके बाद जाकर के ये आपको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग जरूर यहाँ पे अप्लाई करिएगा। अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल पर बनी रहे दोस्तों, ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के सामने मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।